जो दोनों साबुन बहुत ब्रांडेड है, देखिए पहला है पियर्स पियर सॉप और दूसरी और है डब सॉप। ये दोनों काफ़ी फेमस साबुन है, दोनों ही हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी से मतलब बन के आते हैं। ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का लोगो है ये, और पियर्स भी हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी से बन के आते हैं, लेकिन दोनों का जो ब्रांड है वो अलग है। ये देखिए ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का लोगो है। तो चलिए हम लोग डेमो की जरिए से देख लेते हैं कौन सा साबुन बेहतर है और कौन सा साबुन कितना आपको मतलब यूज़ करना चाहिए या नहीं, वो डेमो के माध्यम से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ग्लास में पानी ले लेंगे आधा आधा करके, आधा आधा करके पानी ले लिया है दोस्तों, आधा आधा करके पानी ले लिया। तो अभी हम लोग इस पानी को क्या करेंगे, गंदा कर देंगे। किसके जरिया से, हमारा बीटाडाइन लोशन की जरिया से हम लोग इस पानी को गंदा कर देंगे। तो थोड़ा बहुत बीटाडाइन लोशन ले लिया हम लोग, इसका साथ मिक्स कर दिया है इसका साथ भी, और इसको पैकेट में डाल देते हैं। अभी दोनों ग्लास में मैंने बीटाडाइन लहसुन को डाल दिया है। तो अभी हम लोग इस साबुन को पैकेट से ओपन करेंगे, थोड़ा बहुत इसको मिक्स कर देते हैं। और दोनों ग्लास को अच्छा तरीक़ा से क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि ये ना लगे किस में कम गिर गया है और किस में ज़्यादा गिर गया है। देखिए दोनों में बराबर हिस्से में बांट दिया गया है, दोनों में बराबर हिस्से में बांट दिया गया है। और अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जो दोनों साबुन है पियर्स और डाब को सेम सेम मात्रा में हम लोग उसको मतलब काट के इस ग्लास में दे देंगे। देने का बाद हम लोग देख पाएंगे कि इसमें कौन सा साबुन इस पानी को अच्छा तरीके से क्लियर कर पाते हैं, और उस क्लियर से हम समझ जाएंगे कि कौन सा साबुन का अंदर कितना दम है। तो चलिए अभी वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो अभी हम लोग डाब साबुन ले लिया है दोस्तों, डाब साबुन को क्या करेंगे, काट काट के इधर गिराएंगे थोड़ा थोड़ा करके। डाब साबुन ले लिया गया है, इसको काट काट के पानी में गिराएंगे, कम से कम 3 से 4 बूंद तो गिराना ही पड़ेगा, सॉरी 3 से 4 बार तो काट के गिराना ही पड़ेगा। हो गया है, और डब साबुन को इधर रख देते हैं, इसका अंदर रख देते हैं, रख दिया गया है। और दूसरी ओर है हमारा पियर्स, जो अच्छा ब्रांड माना जाता है, इसको कर लिया ओपन और इसको छुरी की जरिए से काट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्योर एंड जेंटल 98% प्योर ग्लिसरिन एंड नेचुरल ऑयल्स। तो अभी हम लोग इसको काट कर लिया है, तो हमारा छुरी की जरिए से धीरे धीरे काट के इस साबुन को गिराएंगे पानी में, ये वाला ग्लास में गिराएंगे, देखते हैं कौन सा साबुन का क्वालिटी सबसे अच्छा है, वही चेक करने वाले हैं हम लोग।
चलिए अभी हो गया है, इस साबुन को इधर ही रख देते हैं। इधर रख देते हैं, इसको इधर रख देते हैं। तो दोनों चम्मच की जरिया से हम लोग इसको मिक्स्ड करवा लेंगे। मिक्स्ड करवाने का बाद ही पता चल जाएगा। तो दोनों साबुन का भी फिलहाल इधर साइड में कर देते हैं। तो चालू करते हैं। अभी पता चल जाएगा दोस्तों कौन सा साबुन अच्छा है, बेहतर परफॉर्म करता है। और इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। तो दूसरी चम्मच की जरिया से मैं पियर्स वाला जो साबुन था उसको करवा देंगे। अभी देख लीजिएगा दोस्तों दोनों साबुन में कौन सा साबुन बेहतर था, आप ही बता पाएंगे कमेंट की जरिया से, क्योंकि आपने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक मेरा इस वीडियो को देखा है, इसलिए आप ही बता पाएंगे कौन सा साबुन बेहतर है और कौन सा साबुन आप इस्तेमाल कर रहे थे और अभी कौन सा साबुन इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेमो रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरा वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।